वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिहड़ी पिंड भमद्दी तो हर इलाके के पिंडां नूं नाल लै के गुरु घरां दे दर्शनां लई यात्रा शुरू कीती है 2012 तो, इस बार 11वें साल के 12वें महीने की अखीरली यात्रा करवा रहे हैं जी। इस बार पंजाब के पटियाला जिले के गुरु घर ते हरियाणा के कैथल जिले के गुरु घरां दे दर्शन करवावांगे। इस वेले पंजाब के पटियाला जिले के पिंड नौलखा के दर्शन करवा रहे हैं। जदों श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी श्री आनंदपुर साहब तो दशहरा मना के 1665 ईस्वी में गुरबाणी का उपदेश देने लई श्री आनंदपुर साहब तो आनंदपुर कलौट हुंदे होए उगाणी हुंदे इस स्थान पर पहुँचे। इस स्थान पर श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी एक रात विश्राम किया। उस वेले इस स्थान पर लखी साहब पंजारा पहला ही रह रहा सी, जिसका जंगल में बौल्द खो गया। जो तो उन्होंने पता लग्या कि इत्थे श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी पहुँचे हुए हैं, उन्होंने उस वेले अरदास की गुरु जी अगे कि श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी मेरा बौल्द लभ जाए, मैं 9 टके चढ़ा के जावांगा। उस वेले लखी साहब पंजारा के जंगल में बौल्द मिल गया तो वह उस वेले गुरु तेग बहादुर महाराज के चरणों में मत्था टेक के 9 टके लेके पहुंचा। तो महाराज जी ने 9 टक्या हाथ नहीं लाया तो संगत में वंडन कहा। यह सखी साहब पंजारा सोचा कि गुरु जी मेरे 9 टक्या तो खुश नहीं होए, तो महाराज जी अगे बेनती की कि महाराज जी इस वेले मेरे को 9 टके ही हैं तो मैं होर देवांगा। तो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने उस वेले कहा, नहीं भगत है, तेरे 9 टके नहीं, तेरे 9 टके 9 लख बराबर ने। उस वेले इसका ना 9 लखा पै गया। तो इस जगह पर उस वेले श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने पिंड वालों तो एक मूड़ी गड़वाई, जिसका वो दरख्त अज भी इस स्थान पर मौजूद है। तो उस मूड़ी तो इस पिंड का नाम 9 लखा रखा गया। इस स्थान पर जो भी श्रद्धा भावना विश्वास ना कोई सुख का, जिमें किसी के पुत्र की दात की प्राप्ति लई जा औलाद की दात की प्राप्ति लई नौकरी वीजे जा कोई भी होर सुख होवे पूरी हुंदी है, सिर्फ 9 टके जा 9 रुपये सुखने हुंदे है जी। वो पूरी श्रद्धा विश्वास ना जो सुख दा उहदी हर एक सुख मनोकामना पूरी हुंदी है। इस स्थान का जो गुरु घर बहुत ही सुंदर ते बहुत ही वधिया बनाया होया जी। ये सरहंद तो 25 किलोमीटर ते पटियाले तो 7 किलोमीटर ते स्थित ते है जी। इहदी संगत पटियाले साइड दुख निवारण गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर जा रहे हैं, तो इस स्थान के भी दर्शन आप आके करो जी। वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतेह।